नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार में पंचायत चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। ऐसे में पंचायत चुनाव में चरित्र प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को देखते हुए बड़ी संख्या में लोग उसे बनवाने के लिए पटना पुलिस ऑफिस में जमा हो रहे हैं। हालांकि पंचायत चुनाव में चरित्र प्रमाण पत्र अनिवार्य है या नहीं, इस विषय में अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं सरकारी ठेका लेने के लिए भी चरित्र प्रमाण पत्र के अनिवार्य होने को लेकर पुलिस ऑफिस में काफी ज्यादा संख्या में कॉन्ट्रैक्टरों की भीड़ जमा हो रही है। चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने में महिलाओं की संख्या लगभग 35% है। संसाधनों की कमी के बावजूद चरित्र प्रमाण पत्र के कार्यालय में तैनात पुलिसकर्मी आम लोगों के काम को जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करते हैं। यहां 2 काउंटर बने हैं जिनमें सुबह के 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक लोगों की कतार लगी रहती है। मेरी जानकारी के मुताबिक प्रमाण पत्र के लिए नौकरी पाने वाले छात्र छात्राओं की भी अधिक भीड़ है। आपको बता दें कि निजी या सरकारी नौकरी मिलने के बाद चरित्र प्रमाण पत्र देना होता है। इसके अलावा गरीब तबके के लोग भी चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पहुंच रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड जैसी नौकरी के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। इसके अलावा व्यवसाय से जुड़े लोग भी चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि चरित्र प्रमाण पत्र का फॉर्म जमा करने के बाद उसे संबंधित थाने में भेजा जाता है। जिस व्यक्ति की जांच होनी है उसके स्थानीय थाने की पुलिस जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपती है। उस रिपोर्ट के आधार पर ही चरित्र प्रमाण पत्र बनता है। वहीं बताया जा रहा है कि अगर पटना पुलिस कार्यालय में और काउंटर बनेंगे तो कतार कुछ कम हो पाएगी। इसके लिए लोगों को ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं रहना पड़ेगा। इसके अलावा सारे फॉर्म जल्द से जल्द थानों में भेजे जा सकेंगे, जबकि कंप्यूटर में भी समय रहते सभी फॉर्म की एंट्री हो सकती है। आपको बता दें कि पूरे पटना जिले में चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने का एक ही सेंटर है जो गांधी मैदान स्थित पुलिस कार्यालय में है, लिहाजा यहां लोगों की भीड़ भी ज्यादा जुटती है। चूंकि पटना जिला बड़ा है इसलिए चरित्र प्रमाण पत्र के फॉर्म की संख्या भी ज्यादा होती है। मिली जानकारी के मुताबिक चरित्र प्रमाण पत्र के आवेदन यहाँ हर रोज लगभग 350 से ज्यादा आते हैं। वहीं लोगों ने ठेकेदारी के लिए भी चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना शुरू कर दिया है, जबकि नौकरी पाने वाले युवा भी चरित्र प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं। वहीं इन दिनों पंचायत चुनाव में खड़ा होने वाले संभावित प्रत्याशियों की भीड़ भी चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के लिए इकट्ठा हो रही है। आपको बता दें कि बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारी अपने अंतिम चरण में है। एक ओर जहाँ राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव कराने की मंजूरी दे दी है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य निर्वाचन आयोग ने भी सभी जिलों को पंचायत चुनाव के लिए तैयार रहने का निर्देश दे दिया है। बता दें कि इस बार के पंचायत चुनाव 10 चरणों में संपन्न होंगे। वहीं बिहार में इस बार पंचायत चुनाव ईवीएम से कराए जाएंगे। बताते चले कि पंचायत चुनाव लड़ने के लिए जरूरी दस्तावेजों में चरित्र प्रमाण पत्र अनिवार्य है या नहीं, इसको लेकर भावी प्रत्याशियों में असमंजस वाली स्थिति है। हालांकि फिलहाल चुनाव आयोग की तरफ से चरित्र प्रमाण पत्र को लेकर कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिल पाई है, लेकिन इसकी अनिवार्यता को देखते हुए संभावित प्रत्याशियों में चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने की होड़ मची हुई है। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।